कोरोना वायरस से जंग के बीच पुणे में वैक्सीन का उत्पादन शुरू हो गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से तैयार वैक्सीन के लिए ब्रिटिश स्वीडिश फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने भारत के साथ हाथ मिलाया है। एस्ट्राजेनेका ने पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर वैक्सीन का निर्माण शुरू कर दिया है। ये दोनों मिलकर 1 अरब कोरोना वैक्सीन को भारत समेत कम आय वालों यानी कि विकासशील देशों में पहुंचाएंगे। इनमें से 40 करोड़ वैक्सीन 2020 के अंत तक सप्लाई करने का लक्ष्य है। ऑक्सफोर्ड की इस वैक्सीन का दुनिया के कई देशों में ट्रायल चल रहा है और काफी सफल ट्रायल चल रहा है। इसके 2 फेज इंडिया में कंप्लीट हो चुके हैं और 3रे फेज के लिए लगातार लोगों के आवेदन आ रहे हैं। इस दौरान आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट के अंदर की कुछ तस्वीरें सामने आई है। वहां के डायरेक्टर से बात की गई जहां पर पता चला कि लगातार लोग इस वैक्सीन के ट्रायल में शामिल होना चाहते हैं और वॉलंटियर्स के तौर पर देश की मदद करना चाहते हैं और दिन भर में उन्हें 100 से 150 लोगों के ईमेल्स आते हैं। इसके साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर उमेश शालिग्राम ने कहा, उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी के बीच में न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई और देश कोरोना वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और सभी पूरे संयम के साथ इस वैक्सीन को बनाने में लगे हुए हैं। सारे तरह के प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है ताकि एक सुरक्षित वैक्सीन लोगों तक पहुंचे। और साथ ही आपको बता दें कि इसकी कीमत का भी खुलासा हुआ है। डायरेक्टर्स का कहना है कि इसकी कीमत 1000 रुपए हो सकती है और रही बात इंडिया की, तो इंडिया में इसकी जो कीमत है वो आधी हो सकती है और हो सकता है कि सरकार इस वैक्सीन को उनसे खरीदे और लोगों तक इसे निःशुल्क मुहैया करवाए ताकि इस कोरोना महामारी से जल्द निजात पाया जा सके और लोगों में इसके प्रति एंटीबॉडी विकसित हो और वो इस जंग से जल्द जीत ले। इसके साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट खुद की 2 वैक्सीन पर भी काम कर रहा है। साथ ही जब इन दोनों वैक्सीन को लेकर भी काम पूरा हो जाएगा तो सीरम इंस्टीट्यूट इन दोनों के भी उत्पादन का काम शुरू कर देगी। सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में विकसित कोविशील्ड वैक्सीन से सभी देशों की उम्मीदें जुड़ी हुई है, क्योंकि इसके अभी तक के सारे ट्रायल्स काफी सफल रहे हैं और सबको यही लगता है कि इस साल के अंत तक ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित साबित होगी और इसका फिर एक बड़ी मात्रा में उत्पादन शुरू हो जाएगा और लोगों तक ये वैक्सीन बहुत जल्द पहुंच जाएगी। जानकारी कैसी लगी आपको हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आप तो कैसी और भी कई खबरें यूं ही पहुंचाते रहेंगे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।